इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं गुजरात के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक विशाल मूर्ति का निर्माण कराया गया। ये मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित की गई, जिसका नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी रखा गया। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इतनी विशाल मूर्ति को बनाने के लिए बजट और लोहा कहां से लिया गया, और क्या आप जानते हैं कि आखिर इतनी बड़ी मूर्ति इतनी कम समय में कैसे तैयार हो पाई? तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस विशाल मूर्ति के 8 बहुत ही खास फैक्ट्स, जो शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि आपकी नॉलेज को काफी ज्यादा बढ़ा देगी, तो उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल BNF इंडिया। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। फैक्ट नंबर 1, स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के पहले प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है, जो भारतीय राज्य गुजरात में मौजूद है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्म दिवस के मौके पर इस विशाल मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास किया था। ये स्मारक सरदार सरोवर बांध से 3 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नाम की जगह पर है, जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू है। ये जगह भारतीय राज्य गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में मौजूद है। फैक्ट नंबर 2, मूर्ति निर्माण के अभियान से सूरज प्रार्थना पत्र बना, जिसमें जनता बेहतर शासन पर अपनी राय लिख सकती थी। सूरज प्रार्थना पत्र पर 2 करोड़ लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए, जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रार्थना पत्र बन गया जिस पर हस्ताक्षर हुए हो। उसके बाद 2 करोड़ लोगों की राय को देखा गया, फिर जाकर प्रतिमा का काम शुरू हो पाया। फैक्ट नंबर 3, प्रतिमा का निर्माण कार्य 31 अक्टूबर 2013 को शुरू हुआ। मूर्ति का निर्माण कार्य मध्य अक्टूबर 2018 में समाप्त हो गया। आधार सहित इस मूर्ति की कुल ऊंचाई 240 मीटर है। परियोजना की कुल लागत 2063 करोड़ रुपए है। स्मारक सार्वजनिक और निजी साझेदारी के माध्यम से बना है, जिसमें अधिकांश भाग गुजरात सरकार का है। गुजरात सरकार ने 2012-13 के बजट में इसके लिए 100 करोड़ रुपए और साल 2014-15 में 500 करोड़ रुपए आवंटित किए। साल 2014-15 में भारतीय संघ के बजट में इस मूर्ति के निर्माण हेतु 2 अरब रुपए आवंटित किए गए थे। फैक्ट नंबर 4, प्रतिमा के लिए सभी राज्यों के 1,69,000 गांवों में से लगभग 10 करोड़ किसानों से 129 टन लोहे के औजार प्राप्त किए गए थे, और मूर्ति भूकंप और हवा की गति को लगभग 100 किलोमीटर प्रति सेकंड तक झेलने में सक्षम है। 24,000 टन लोहे से 45 महीनों में बनकर तैयार हुए हमारे सरदार। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। फैक्ट नंबर 5, प्रतिमा के पैरों में 4 हाई स्पीड लिफ्ट लगी हैं। प्रत्येक लिफ्ट 26 लोगों को सिर्फ 30 सेकंड में ऊपर ले जा सकती है। इस मूर्ति में 153 मीटर की दूरी पर एक देखने वाली गैलरी है, जहां से लगभग 200 लोग सरदार सरोवर बांध, सतपुड़ा और पर्वत श्रृंखलाओं का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया। भारत के पहले गृह मंत्री की कांस्य प्रतिमा, जिसे स्वतंत्र भारत में 562 रियासतों को एकजुट करने का श्रेय दिया जाता है। फैक्ट नंबर 7, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा नर्मदा बांध का सामना करती है। पद्म भूषण अवार्ड से नवाजे जा चुके मूर्तिकार राम सुतार द्वारा डिजाइन की गई और लार्सन एंड टूब्रो यानी LNT के 300 इंजीनियरों सहित 3,000 से अधिक मजदूरों ने प्रतिमा को 3.5 साल के अंदर बना दिया, और इस प्रतिमा को देश की 2 कंपनियों ने मिलकर बनाया है। फैक्ट नंबर 8, प्रतिमा का कांस्य आवरण चीन की जियांगशी टॉक्सिन कंपनी द्वारा किया गया है। प्रतिमा के पास एक संग्रहालय, एक 3-स्टार होटल
एक फूड कोर्ट, एक स्मारक उद्यान और एक भव्य संग्रहालय स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का हिस्सा है। तो दोस्तों, ये थे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के 8 महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो शायद आप नहीं जानते थे। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।